हेलो गाइस, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्म बनाने सिखाया था जो आपके सामने है। इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल पे स्टोर प्रोसीजर बना के सिखाऊंगा, वैल्यू इंसर्ट वगैरह, जो भी हम क्रिएट टेबल डेटाबेस वगैरह जो भी बनाएंगे आप एसक्यूएल पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है। ओके, हमारा अब तक का काम बिल्कुल सही हुआ है। अब एसक्यूएल पे जाते हैं हम। अब सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं PRO प्रो वन। प्रो वन के नाम से हम डेटाबेस बनाते हैं। गो करते हैं, यूज प्रो वन। गो करता हूँ मैं, और उसके बाद क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देता हूँ TB प्रो। टेबल का नाम दे दिया मैंने TB प्रो। उसके बाद इसके अंदर मैं आईडी दूंगा, जो कि मैंने वो फॉर्म के अंदर जो मैंने चीज़ें दी हैं वही चीज़ मैं यहाँ दूंगा। आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और डेट। सबसे पहले आईडी दे देता हूँ मैं PRO ID, या खाली आईडी दे देता हूँ। आईडी इंटीजर प्राइमरी की, हम प्राइमरी की यूज़ करेंगे। उसके बाद पी नेम, प्रोडक्ट नेम, वार्चार 50। उसके बाद पी प्राइस, हम पी प्राइस जो है हम फ्लोट में देंगे। उसके बाद पी क्वांटिटी QTY क्वांटिटी इंटीजर में दे देंगे। पी प्राइस, पी क्वांटिटी, उसके बाद दे देंगे पी डेट, और उसके आगे हम दबा देंगे डेट। एक दो तीन चार पांच चीज़ें बन गई हैं, एक दो तीन चार पांच हमारे पास ये चीज़ें बन गई हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे उसके बाद हमें करना क्या है, ये चीज़ तो हमने ये टेबल बनाया है। उसके बाद हम लिखेंगे गो। अब उसके बाद हम प्रोसीजर बनाएंगे, क्रिएट PROC प्रोसीजर। प्रोसीजर हम किसका बनाना चाहते हैं, इंसर्ट का। तो हम लिखेंगे इंसर्ट PRO, इंसर्ट PRO। जैसे कि हम कोई भी प्रोसीजर, जैसे हमने टेबल बनाया उसका हमने नाम दे दिया इंसर्ट PRO। अब इसी तरह हमने प्रोसीजर का नाम दिया इंसर्ट PRO। तो अब इसके आगे करना क्या है हमारे को, अब एट द रेट लगा के हमें पहले यही चीज़ हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से प्राइमरी की को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर सबके हम ऐट द रेट लगाएंगे शुरू में। यहाँ पर लग गया हमारे पास ऐट द रेट, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर की पहचान है, इसमें हम ऐट द रेट लगाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एज, उसके बाद यहाँ लिखेंगे बिगिन। बिगिन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम TB जो हमने प्रो दिया, टेबल TB प्रो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ID। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पी नेम। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पी प्राइस, और यहाँ पर लिखेंगे हम पी क्वांटिटी। आईडी आ गया, पी नेम आ गया, पी प्राइस आ गया हमारे पास, पी क्वांटिटी, और लास्ट रह गया हमारे पास पी डेट। पी डेट ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके शुरू में हम यहाँ लगा देंगे एट द रेट। एट द रेट अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने इंसर्ट करवाई है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है, वैल्यू वैल्यू हमें एट द रेट के अंदर देनी है। एट द रेट आई डी ये हमारे पास आ रहा है, एट द रेट पी नेम, एट द रेट पी प्राइस, एट द रेट पी क्वांटिटी और एट द रेट पी डेट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम इंड। हमारे पास इसका काम कम हो गया है कंप्लीट, इंसर्ट का तो अब तक का काम हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, उसके बाद फिर गो लगाएंगे। उसके बाद गो लगाने के बाद अब अपडेट का प्रोसीजर बनाएंगे, क्रिएट डेट, क्रिएट प्रोसीजर पी आर ओ सी प्रोसीजर अपडेट एस पी। अब इसके अंदर भी हम वही चीज़ हम कॉपी करेंगे, इसको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे और हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम एज लगाएंगे, फिर बिगिन। अब यहाँ लिखेंगे हम अपडेट टेबल का नाम टी बी प्रो सेट। हम कोई भी चीज़ अपडेट करवाते हैं उसके बाद सेट लगते हैं, हम सेट किसको करवाना चाहते हैं, सेट करवाना चाहते हैं हम आई डी इज इक्वल टू एट द रेट आई डी। फिर उसके बाद पी नेम इज इक्वल टू एट द रेट पी नेम। फिर एट द फिर पी प्राइस आएगा हमारे पास इज इक्वल टू एट द रेट पी प्राइस। फिर पी क्वांटिटी हमारे पास आएगा इज इक्वल टू पी क्वांटिटी एट द रेट पी क्वांटिटी। फिर पी डेट आएगा हमारे पास इज इक्वल टू पी डेट एट द रेट पी डेट। यहाँ तक हमने पांच चीज़ें को रेडी कर दी। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे वेयर, वेयर मतलब किसके ज़रिए इसको हम अपडेट करें, आईडी के ज़रिए, वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी। और यहाँ पर हम लिख देंगे इंड। तो हमारे पास अपडेट का भी प्रोसीजर बन गया है। अब उसके बाद किसका प्रोसीजर बनाएंगे हम, क्रिएट डिलीट का प्रोसीजर पी आर ओ सी प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए हम हमेशा पी आर ओ प्रोसीजर लगाएंगे, उसके बाद उसकी लिखेंगे डिलीट। डिलीट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डिलीट की स्पेलिंग सही नहीं है, डिलीट डिलीट एस पी। डिलीट एस पी के बाद हम वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको पूरा एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि डिलीट हम आई डी के ज़रिए करते हैं। हम यह लिखेंगे एट द रेट आई डी इज एट द रेट आई डी इंटीजर एस बिगिन डिलीट टेबल का नाम टी बी प्रो उसके बाद वेयर आई डी इज इक्वल टू एट द रेट आई डी। उसके बाद यहाँ पर हम इंड लगा देंगे, क्रिएट प्रोसीजर्स में यहाँ एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है, यहाँ पर हमने गो नहीं लगाया शायद इसकी वजह से एरर दे रहा हो। हाँ हमने यहाँ गो नहीं लगाया था इसकी वजह से एरर दे रहा था, सब में हमने गो लगाया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा गो लगाएंगे। अब हमारे पास लास्ट प्रोसीजर बनाना है फैच का, तो क्रिएट बी आर ओ सी प्रोसीजर एफ ई टी सी एच फैच एस पी। फैच एस पी के अंदर हमने आई डी ली एट द रेट आई डी, इंटीजर हमने आई डी ले ली
उसके बाद हमने एस लगाया, उसके बाद बिगिन, वही चीज़ चेक करते आएंगे। अब इसके अंदर फैच के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टीबी प्रो वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी, यहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको एक साथ F5 दबाएंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने गो गो के जो लगाए हैं स्टेटमेंट, ये गो गो जो ये काम इसलिए करते हैं एक साथ इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब खाली हम F5 दबाएंगे, हमारे पास सारा काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर लिखना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी प्रो, इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर F5 दबा दें तो आपके पास टेबल आ जाएगा। इस वीडियो में हमने SQL का स्टोर प्रोसीजर बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल को वैल्यू को इंसर्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो में जाके। अब हम असल काम करेंगे लेयर पे जाके, BLL बिजनेस लॉजिक लेयर, DL डेटा एक्सेस लेयर। तो अब इस पर हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।